पुत्र का उत्तर सुनकर के उस व्यक्ति की आंखें भर आईं और उसे लगा मानो जैसे बच्चे का बचपन उसके पिता में आ गया हो। मेरा दावा है दोस्तों, बहुत सी कहानियों के लेखक नहीं होते हैं, उन्हें लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो कहानियां होती हैं। मैं हूं मनविंदर दोस्तों और मेरे चैनल एमबी स्पीक पे आपका स्वागत है। आज टाइनी स्टोरीज की श्रृंखला में ये मेरी तीसरी कहानी है और आप सब लोगों ने मेरी पहली दो कहानियों को बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और हाँ, आप जानते हैं कि कहानी क्यों होती है। दरअसल वो कहानी हमारे आसपास की जो बातें होती हैं उनमें से वो सीख बटोरती हैं और वही सीख हमको उन कहानियों से मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी कहानियाँ ना हों तो हम शायद अच्छी अच्छी बातें सीख ना सकें। आज मैं एक ऐसी ही कहानी का जिक्र करने जा रही हूँ आपके साथ। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू जाए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के इस कहानी के बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक दिन एक बेटा अपने पिता को बड़े होटल में खाना खिलाने के लिए लेके जाता है। उसके बुजुर्ग पिता बार बार खाने के साथ अपने कपड़े गंदे कर रहे थे और बेटा बार बार अपने पिता के कपड़े और मुंह साफ कर रहा था। कभी बर्तन की आवाज़ सुन के वेटर उनके पास आ जाते, बेटा वेटरों को इशारा करके वापस भेज देता। बुजुर्ग बाप इतने अजीब ढंग से खाना खा रहे थे कि पास के टेबल पर बैठे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ रहा था। खाना खाने के बाद बेटा अपने पिता को बड़े प्यार से गाड़ी की तरफ लेके जा रहा था, साथ ही एक बैठे हुए व्यक्ति से रहा नहीं गया, जैसा कि अमूमन ऐसी जगहों पे हो जाता है। उन्होंने बेटे को बोल ही दिया, बेटा बुजुर्गों को यहाँ नहीं लाना चाहिए, बल्कि उनको तो घर में ही खाना खिला देना चाहिए। बेटे ने भी बड़े प्यार से उसका उत्तर दिया, अंकल जी जब मैं और मेरी बहन छोटे हुआ करते थे तब छुट्टी के दिन हमारे पिताजी हमें इसी होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर के आते थे। तब हम भी ऐसे ही किया करते थे, कभी अपना मुंह गंदा करते थे, कभी अपने कपड़े गंदे करते थे और कभी कभी किसी वस्तु की जिद कर लेते थे, सारी वस्तुओं को बिखेर भी देते थे। उस वक्त कई लोगों का ध्यान हमारी ओर पड़ता था, पर किसी ने कभी ये नहीं कहा था कि इन बच्चों को यहाँ ना लाया करो। हमारे माँ बाप कभी भी गुस्सा नहीं हुआ करते थे, बल्कि प्यार से हमारा मुँह साफ करते थे, हमें खाना खिलाते थे और हमारे गंदे कपड़ों को अपने ही रुमाल से साफ करते थे। अब मेरे पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं उनका मनोरंजन करूं, उनको कहीं बाहर लेके जाऊं, उनकी आउटिंग कराऊं। पुत्र का उत्तर सुनकर के उस व्यक्ति की आंखें भर आईं और उसे लगा मानो जैसे बच्चे का बचपन उसके पिता में आ गया हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।